सौरभ जोशी जब लॉक कर रहे होते हैं तो अचानक से पीछे एक चीज गिर जाती है। तो जंगल के बिल्कुल बीच में है ये मंदिर। देखने में तो नॉर्मल लगा, लेकिन जब इसे ध्यान से देखा गया तो कैरी मिनाती के साथ इस गेम को खेलते टाइम ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इस गेम को खेलना ही छोड़ दिया। भाई ये वीडियो थोड़ा क्रीपी होने वाला है, तो इस वीडियो का मजा लेना है तो इसे एंड तक देखना। नंबर वन, सौरभ जोशी। एक बार वो रामनगर के एक मंदिर पर गए थे जहाँ वो अच्छे से व्लॉग कर रहे थे, लेकिन उसी वीडियो में एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर सब शॉक हो गए। सौरभ जोशी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब लोगों ने वो वीडियो देखी तो सब हिल गए। उस वीडियो में सौरभ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो कहां पर है। इतने में पीछे एक काफी भारी कंटेनर अपने आप गिर जाता है, लेकिन उसे गिराने वाला कहीं भी नजर नहीं आता। तो लोगों को लगता है कि वो पक्का किसी घोष्ट का काम है, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि वो किसी बंदर ने गिराया था। लेकिन आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर टू, ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान जिनका रियल नेम है निश्चय मलान, उन्हें आप सभी जानते होंगे और इनके यूट्यूब पर 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। इनकी स्टोरी टाइम वीडियो भी काफी फेमस है, जिनमें वो अपने साथ हुई रियल लाइफ स्टोरी को शेयर करते हैं। और उनके साथ एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये बात उनके स्कूल टाइम की है, जब वो 11th क्लास में थे और उनका एक फ्रेंड भी था। पढ़ने में वो काफी अच्छा था, साथ ही में वो बच्चों की हैंडलिंग का काम करता था, जो असेंबली करवाते हैं वो सब करता था। एनुअल डे का टाइम था, बारिश का मौसम हो रहा था। वो निश्चय और उसका दोस्त अपनी क्लास में चिल करते हुए एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें रूमर था कि उसमें भूत है। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सोचा कि चलो उस रूम को चेक करते हैं। वो जैसे ही वो रूम के पास गए तो निश्चय को एक परछाई से रूम के अंदर दिखती है, जिसके बाद उन दोनों की थोड़ी फटने लगी और अंधेरा और बढ़ने लगा। तो दोनों रूम के अंदर देखने की कोशिश करने लगे और जैसे ही बिजली कड़की तो निश्चय की पैंट से सुसू निकलने की जैसे हालात हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंदर देखा तो एक बच्चा पंखे से लटका हुआ है जिसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं और वो निश्चय को ही देख रहा था। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गए और अपनी टीचर को बुला लिया, लेकिन टीचर ने जैसे इस रूम को ओपन किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था और टीचर को लगा वो दोनों मजाक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीचर उन दोनों को सुनाकर चली गई और वो दोनों सदमे में ही रह गए। भाई आज जमाना बहुत चेंज हो गया है, आप अपने दिमाग का यूज करके लाखों रुपए कमा सकते हो। अरे भाई रुको, ये कोई ऐप का प्रमोशन नहीं है, बल्कि मेरे चैनल का प्रमोशन है, क्योंकि मैंने एक चैनल खोला है जिसमें मैं ऑनलाइन मनी मेकिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, जिनको देख के आप अपने खाली टाइम में टाइम पास करने से अच्छा एक अच्छी खासी पैसिव इनकम बना सकते हो। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ वीडियोस बहुत जल्द आने वाले हैं। नंबर 3, QK07 राइडर। ये भी एक मोटो ब्लॉगर है जो आज काफी ज्यादा फेमस है और ये बिग बॉस में भी हो आ चुके हैं। एनीवेज आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बात तब की है जब इनके सिर्फ 1 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे। और एक दिन रात को वो फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे और जगह काफी दूर थी, जिसके 2 रास्ते थे और उन्होंने लॉन्ग रूट की बजाय एक शॉर्ट रास्ता चूज किया जो जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं उन्हें अजीब लगने लगता है और कुछ देर बाद उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो हड़बड़ाहट में फंक्शन को भी नहीं जाते और अपने घर वापस चले जाते हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये वीडियो फेक है, लेकिन बहुत बार जूम करके देखने पर भी जब बाइक की लाइट उस चीज पर पड़ती है फिर भी उसकी कोई शैडो दिखाई नहीं देती है। और अब सब जानते हो ऐसी चीजों की कोई परछाई होती नहीं। नंबर 4, कैरी मिनाती। कैरी मिनाती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, फनी नहीं था बल्कि उसका कुछ उल्टा ही था। हमेशा की तरह वो अपने चैनल पर आउटलास्ट 2 की स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही हॉरर गेम है। ये गेम खेलते खेलते उनके रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद भी चौंक गए, जिसे आप ही देख सकते हो। ये क्या हुआ? फक। और कैरी का रिएक्शन क्या था वो भी। और उसके बाद से वो इस गेम को ज्यादा खेलती भी नहीं, पता नहीं उसका रीजन यही था या नहीं, लेकिन वो उसके बाद से ज्यादा ये गेम नहीं खेले। नंबर 5, थगेश। थगेश वैसे तो खुद ही एक बहुत हट्टे कट्टे इंसान है, लेकिन जब बात भूतों की आती है तो सबकी फट जाती है। वही ऐसा ही हुआ थगेश के साथ, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पांधरपुर जा रहे थे। थगेश के साथ उनके 4 दोस्त थे जो कुछ शूट के लिए जा रहे थे। उन्होंने मुंबई से पांधरपुर की ट्रेन पकड़ी और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्हें एक ऑटो वाला मिला, जिसके साथ वो ऑटो में बैठ गए और साथ में एक मिस्टीरियस
शख्स भी बैठ गया जो ग्रे हुडी में था। और चलते चलते थकेश अपने होटल पहुंच गया और सफर की थकान की वजह से वो तुरंत सो गया। और सुबह उठते ही शूट के लिए जाने के लिए उन्होंने एक बस पकड़ी और बस में बैठते ही वो ग्रे हुडी वाला आदमी फिर से आकर थकेश के आगे बैठ गया और वो सब चौंक गए और वो सब अपनी मंजिल पर उतर गए जहां लाखों लोग एक सर्कल बना रहे थे और उन्हें वही शूट करना था। शूट करने के लिए ये सब अलग अलग हो गए और तभी इनमें से एक बंदे के पास वो बंदा फिर से आकर खड़ा हो गया। इतने लाखों लोगों की भीड़ में वो पता नहीं कैसे उन्हें ढूंढ ले रहा था। और जब ये बात सबको पता चली तो सब हैरान हो गए, लेकिन अब उन्हें ये यहाँ से निकलना था। तो ट्रेन स्टेशन पर ये चले गए और जब थकेश टिकट लाइन में खड़ा था तब जैसे ही थकेश पीछे मुड़े तो फिर से वही आदमी खड़ा था। इसे देखकर वो बहुत डर गए और साइड हो गए। वो जल्दी से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ सारे लोग चले आए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, कोई भी बंदा नहीं था, लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाती है और वो सब ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में भीड़ बहुत थी तो थकेश के दोस्त गेट पर खड़े होने गए तो वो देखकर शॉक हो गए। इतने में दूसरे दोस्त ने भी जब देखा तो वो सदमे में रह गया क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने ग्रे हुडी वाला आदमी खड़ा था, जिसे देखकर सब पागल से हो गए। और कुछ देर बाद वो आदमी उनके डब्बे में ही आ गया और टॉयलेट में चला गया। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन पर उतरकर डब्बा चेंज कर देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। सफर लंबा था, सीट मिल गई थी और रात भी हो गई थी, जिसकी वजह से सबको नींद आ गई। और कुछ देर बाद लोहे पर कुछ रगड़ने की आवाज आ रही थी, जिससे थकेश उठ गए और देखा तो ट्रेन बिल्कुल खाली थी और लास्ट सीट पर फिर से वही आदमी था। लेकिन इस बार हिम्मत करके थकेश उसके पास जाने लगे तो देखा वो चाकू से ट्रेन पर कुछ लिख रहा था। वो और कुछ नहीं बल्कि थकेश का नाम लिख रहा था, जिसे देखकर थकेश डर गया और पीछे हटने लगे। इतने में थकेश के नीचे चिप्स का पैकेट आ गया, जिसकी वजह से वो ग्रे होड़ी वाले आदमी का ध्यान थकेश पर चला गया और जोर से वो थकेश की तरफ मुड़ा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था और जैसे ही थकेश ने उसे देखा तो चेहरा बीच से कटा हुआ था और लंबे बाल थे और वो तेजी से थकेश की तरफ बढ़ने लगा। इतने में सुमित जो थकेश के दोस्त थे उनकी आवाज आती है और कहते हैं कि उड़ जा भाई, अपना स्टेशन आ गया। लेकिन आज तक थकेश को ये समझ नहीं आया कि वो सपना था ये सच, क्योंकि वो आदमी उसके दोस्त को भी दिखाई दिया था। नंबर 6, मुंबई का निखिल। नेक्स्ट स्टोरी मुंबई का निखिल की है। ये स्टोरी तब की है जब वो ऊटी गए हुए थे और उस दौरान वो एक होटल में रुके थे। होटल काफी अच्छा था और शुरू में तो नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अक्सर नॉर्मल दिखने वाली चीजें नॉर्मल होती नहीं। वहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब होने लगा था, जिनके बारे में उन्होंने अपने व्लॉग में जिक्र किया है और दिखाया भी। जब वो रूम में चिल कर रहे थे तब अचानक से कुछ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी जब फैन सही चल रहे थे। उनका यही एक एक्सीडेंट नहीं है। एक दिन वो अपनी बाइक पर मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगह से गुजर रहे थे, जिस जगह का नाम है आरए कॉलोनी। नॉर्मली वो इस कॉलोनी से गुजर रहे थे और उनका कैमरा भी चालू था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और रास्ते में चलते चलते रोड पर अचानक से एक बंदा आ जाता है और वो साइड नहीं हट रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वो इसके साइड से बाइक निकाल लेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उसके बहुत करीब से उन्होंने उस बाइक को निकाल दिया, जिससे थोड़ी बहुत उसे वो टच हो भी गई थी। तो ऐसा होते ही जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो वो शख्स गायब हो चुका था। निखिल को लगा वो शायद कोई चोर होगा, लेकिन कुछ सेकंड में कोई चोर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि कैसे आपका फोन डार्क मोड के नाम पर आपको स्कैम कर रहा है? जैसे ही आप रात को अपना फोन बंद करके सोते हो तो आपका फोन अपने आप ऐसी चीज ऑन कर लेता है जिसे देख के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो इस वीडियो में उसकी पूरी बातें बताई गई हैं, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।